करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी कहा कि जन्नत के कुएं के बदले कुआं दे दे, उसने नहीं माना, उसे जहन्नम में भेज दूंगा। उस्मान अली रजी अल्लाह तआला ने 16,000 दिरहम देकर जो है आधा कुआं खरीदा, यानी मुसलमान एक दिन कुएं से पानी भर लेते पीने का। जब यहूदी ने देखा कि मुसलमान ज्यादा पानी भर ले रहे हैं, दो दिन का पानी भर ले रहे हैं, तो कहा पूरा कुआं लेना है, तो फिर आपने 8,000 दिरहम दिए और इस तरह वो कुआं खरीद कर आपने मुसलमानों के नाम पर वक्फ किया। मुसलमानों को मीठा पानी अगर पीने का मिला है, इस्लाम की रगों में जो पानी है वो उस्मान गनी का दिया हुआ है। उस्मान गनी ने पानी पिलाया मुसलमानों को, सहाबा को पानी पिलाया, मुहाजिरीन को पानी पिलाया, अंसार को पानी पिलाया, उनकी तिश्नगियों को बुझा दिया। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आखा करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर, जैश उज़रा के मौके पर फरमाया कि आओ आज़रात है, कौन है जो इस्लाम की मदद करेगा, कौन है जो मुजाहिदीन की इमदाद करेगा, कौन है जो अपना माल कुर्बान करेगा। जब यह ऐलान हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज मिंबर पर जाकर ऐलान फरमाते, सहाबा को तरकीब दिया करते कि इस्लाम की जहानों में जो है जिहाद में मदद करो, मुजाहिदीन की, मुसलमानों की मदद करो। जितना हुआ जिन जिन लोगों ने लाकर रख दिया, मशहूर वाकया है सिद्दीक अकबर ने छोटी सी गड्डी लाकर पूरा माल जो है आपकी खिदमत में पेश कर दिया था। उस दौर में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला 200 ऊंट तिजारत के साथ और सामान के लगे हुए और 200 दीनार सोने के सिक्के हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर पेश किए। आहाय करीम देखकर मुस्कुराए, उठाकर हाथ जो है दुआएं दी, फिर सरकार ने तरकीब दी, दूसरी तरीके पर फिर आप खड़े हो या रसूल अल्लाह, और 200 ऊंट और 200 दिरहम मेरी तरफ से आपकी खिदमत में पेश है। फिर लाकर जो आपने रख दिया, रिवायत में आता है कि और 600 दीनार के हैं सोने की सिक्के जो है हजरत उस्मान गनी अपने जो है दामन में उठाकर लाए और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया और पूरा माल सरकार की बारगाह में रखा। हजरत इमाम अमर अल्लाह फारूक इबानी जहां ने जामिया तहरीर फरमाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों के अंदर अपनी उंगलियों को दाग कर ऊपर पीछे किया करते और मुस्कुराया करते। सरकार खुश हुए, उन दीनारों को ऊपर नीचे करते रहे। आका करीम सरवरे आलम पता ना ये नबी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नीचे करते रहे, खुश हुए। मिंबर मुबारक पर खड़े होकर रसूल अल्लाह ने अपने दोनों हाथ इतने बुलंद फरमाए, इतने बुलंद फरमाए, सहाबा बयान फरमाते कि हमने रसूल अल्लाह के बालों की सफेदी को देखा कि आस्ते नीचे आ गए थे, हाथ बुलंद थे। आकाए करीम ने इतनी दुआएं, इतनी दुआएं उस्मान गनी को दी, खुदा की कसम हमने किसी के मुताले उतनी दुआएं नहीं सुनी रसूल अल्लाह से जितनी उस्मान गनी को। यहां तक के फरमाया आका ने उस्मान जो